बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रेखा काफ़ी उम्र दराज हैं, पर इन बॉलीवुड वालों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये पहुंची थी इंडियन आइडल के शो में बतौर जज, और इसमें उनकी जुबान फिसल गई या स्क्रिप्टेड थी या तो ऊपर वाला ही जाने, पर उस पर काफ़ी विवाद हो गया है और कुछ लोग मजे ले रहे हैं और कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं बुरी तरह से। और हम किसका समर्थन करेंगे ये भी हम बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी शो में। मैं हूँ नंदिनी। बायकॉट बॉलीवुड जो ट्रेंड कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? आज तक लोगों को समझ नहीं थी, लेकिन अब लोगों को समझ आने लग गया। अब लोग हर बात पे इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि सही तो ये कुछ करते ही नहीं है। ये हर काम अपने मतलब के लिए करते हैं। फिर इसका देश पे, पीढ़ी पे, किस पे क्या फर्क पड़ता है, इन बॉलीवुड वालों को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि मैं इसमें भी बात करूँगी अभी रेखा की, जो पहुँची थी इंडियन आइडल के शो पे। यहाँ पे शादीशुदा आदमी से प्यार में पागल होने के सवाल पे उनकी जुबान फिसल गई। कई जगह तो यही लिखा है कि फिसल गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये स्क्रिप्टेड था। इतना तो इन्हें समझ ही गए, अब जितने ड्रामेबाजी हैं इनकी रियल और रियल लाइफ में कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्टेड ही था, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे क्या हमारी अच्छे और बुरे गतिविधियों का क्या फर्क पड़ेगा कहाँ पे। तो इन एक यहाँ पे शो के होस्ट के जरिए कंसेंटेंट शैली ने शादीशुदा आदमी से प्यार के में पागल होने पर एक सवाल पूछा था, जिसमें रेखा का जवाब काफ़ी हैरान कर देने वाला था और सब उसको देख के हंस पड़े। तो जय भानुशाली कहते हैं, रेखा जी और नेहा कक्कड़ को बोलते, कभी आपने देखा कि कोई और किसी आदमी के लिए कितनी पागल हो रही है, वो भी एक शादीशुदा आदमी। इतने में रेखा बोल पड़ती है, मुझसे पूछे ना। जय भानुशाली हैरानी से देखते हैं और फिर वो कहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। ये लोगों को भले ये लिखे कि अकस्माती उसके मुंह से निकल गया और उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की सबके सामने। ये दुनिया जानती है इनकी ज़िंदगी में क्या चलता है, ये सबको पता है। अभी नहीं, वो कई दफ़े बोल चुकी हैं, बात समझने की है। और अब बात यह है कि इन्हें, और जितना मुझे लग रहा है ये 200% ये स्क्रिप्टेड था। इन्हें डोज चाहिए एंटरटेनमेंट का, इन्हें अपनी TRP बढ़ानी है, इन्हें अपनी ऑडियंस बढ़ानी है, इन्हें पैसा कमाना है। वो माध्यम चाहे कुछ भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता देश पे आग लगे, किस पे क्या हो, या इनकी इनके शो के माध्यम से या इनके व्यक्तिगत या इनके फिल्मी जो करेक्टर हैं उनके माध्यम से क्या संदेश जा रहा है, कुछ बिगड़ रहा है सुधर रहा है, इससे इनका कोई सरोकार नहीं होता है। ये हम हमेशा ही कहते हैं और यहाँ भी यही बात साबित हुई है। इनको ये नहीं पता हम किस जगह पे, किन के बीच में और किस स्थिति में ये इस तरह की बातें कह रहे हैं। सबको पता है इंडियन आइडल बच्चों का शो है, क्या बच्चों के शो में इस तरह का सवाल जायज है? इसीलिए लोग उन्हें आज ट्रोल कर रहे हैं। हर चीज़ की एक सीमा रेखा होती है, ये भारतीय संस्कृति है, कम से कम कहीं तो इन्हें इसे संभाल के रखा होता है इन्होंने। 70 साल की रेखा उम्र दर्जा, भले ही वो अपने आप को 17 साल की समझे, लेकिन है तो 70 साल की उम्र दराज है वो काफ़ी, और एक अच्छा खासा मुकाम उन्होंने बॉलीवुड में पाया है। लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस बॉलीवुड को या हमारे देश को क्या दे रहे हैं। जिन्होंने शो पर पैसा लगाया उन्होंने तो पैसा कमाना है, और जिन जिन जिनके चैनल पे आ रहा उन्होंने आपके चैनल की TRP बढ़ानी है तो वो भी इस देश के ही। लेकिन किसी इस मनोरंजन जगत में पर्दा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे पीढ़ी पे या हमारे संस्कारों पे क्या फर्क पड़ा। हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं,
एक अच्छे खासे उम्र में तुम मजाक भी करो, चाहे तुम उसको कैसे भी बोलो, चलता है। लेकिन यहाँ पे जानबूझ के इसको स्क्रिप्ट में डाला गया है। ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि अकस्मात ही उनके मुंह से निकला है, या ये बातें उन्होंने अचानक से ही कही है। सब जानते हैं ये जो भी गंदगी इनकी ज़िंदगी में चलती है, ये सब जानते हैं बहुत अच्छे से। एक बार ने रेखा कई दफ़े बोल चुके हैं इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट का एक हिस्सा था, वो भी टीवी की टीआरपी बढ़ाने के लिए, चैनल की, और प्रोड्यूसर का पैसा कमाने के लिए। इसीलिए आज उन्हें देश की जनता ट्रोल कर रही है कि इनकी कोई जिम्मेदारी हमारे देश के प्रति नहीं है, हमारे संस्कारों और संस्कृति से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। इनका माध्यम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, जरिया कोई भी हो जाए और कैसे भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। इसीलिए आज भी सुशांत की मौत के बाद भी जो ट्रेंड शुरू हुआ था और आज भी जारी है और आगे भी रहना चाहिए, जहाँ पे भी कुछ गलत होता है वहाँ लोगों को ट्रोल इन्हें करना चाहिए, इनकी इनको सबक सिखाना चाहिए। अगर इन्हें इनके अंदर खुद से कोई अकल नहीं है तो लोगों को उनकी उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहिए। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतने दिनों से लोग इतने तरह के ट्रोल कर रहे हैं, इतने तरह से इन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं, लेकिन इन्हें गालियां खाने की आदत पड़ गई है। इज्जत सबसे, अगर इनका कोई सरोकार होता तो शायद इन्हें कुछ शर्म आती। क्या जब स्क्रिप्ट लिखी गई थी इन्हें सब कुछ पता होता है? क्योंकि एक बार मैंने भी ये देखा था, जब अमिताभ बच्चन कपिल शर्मा के शो पे आए थे तो अपनी किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए, तो शायद भारती या कोई कंस्टेंट ऐसी उनके गाल पे किस देते हैं शायद, ऐसा कुछ था। तो अमिताभ बच्चन ने जी का कहीं मैंने पढ़ा था इंटरव्यू कि वो स्क्रिप्टेड था। तो इनकी सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, तो इन्हें वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हमें अपनी ऑडियंस को क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। टीवी पे खासकर इस चीज़ का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? अगर ये लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या इस देश की जनता को जागरूक नहीं होना पड़ेगा? क्या इस देश की जनता इन्हें आप खरी खोटी नहीं सुनाएगी? हॉल में तो एक बार के लिए आप कौन सी फिल्म आपको देखनी है, कौन सी नहीं दिखानी, क्या आपको बच्चों को दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, ये पेरेंट्स तय करते हैं। लेकिन छोटा पर्दा एक तो घर के घर में सभी देखते हैं परिवार के साथ, और वो भी बच्चों के शो में। क्या इन्हें पता नहीं होगा कि स्क्रिप्ट का हिस्सा हम क्या बोल रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या संस्कार दे रहे हो, क्या सिखा रहे हैं ये लोग? इसलिए हम हर बार यही कहते हैं कि इस बॉलीवुड का बहिष्कार बहुत जरूरी है और इसको जारी रखो। आज बहुत सारे लोग मजे ले रहे, रेखा ने ये बोल दिया, रेखा ने ये बोल दिया, क्या बोलती है हमें फर्क नहीं पड़ता। इनकी जिंदगी पूरी ऐसी ही जाती है, जिस तरह से वो सिंदूर पहन के मंगलसूत्र पहन के आती है, क्या हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में है? कौन पहनता है मंगलसूत्र और सिंदूर, कौन लगाता है? न तो विधवा औरत लगाती है, न कुंवारी लड़की लगाती है। बिना कहे बहुत कुछ इनकी इनकी ज़िंदगी समझ में आ जाती है, और ये बहुत कुछ बोल भी जाते हैं, लोग समझ भी जाते हैं। और ये टोटल स्क्रिप्टेड था। जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ उसके मुंह से निकल गया, इसने बहुत दफ़े बोला, हमने बहुत दफ़े इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, तो इसलिए इनके इस तरह के नाटक में जाने के बजाय अब उन चीज़ों को पकड़ो जो हमारे देश की संस्कृति को ख़राब करने में लगे, हमारे पीढ़ियों को ख़राब करने में लगे हैं। इन जहाँ पे ये गलत करते हैं उनको पकड़ो, एक जागरूक नागरिक होने की जिम्मेदारी को निभाओ, जो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप सिर्फ खा पी के सो जाने के लिए नहीं आए हो। अगर आपके हाथ पे फोन है, इतना नेट फूकते हो, तो कम से कम एक दो लाइन किसी अच्छे काम के लिए लिख के इस्तेमाल करो अपने फोन का। आज रेखा जो ट्रोल हो रही है, ट्रोल करने वाले ट्रोल इसीलिए कर रहे हैं, मजे लेने वाले मजे भी ले रहे हैं, लेकिन जिन्हें सच में अपने देश की चिंता, अपने भावी पीढ़ी की चिंता है, और जिनको अपने संस्कारों और अपने धर्म की रक्षा की चिंता है, वो लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से, और होना भी चाहिए। और हम भी उन्हीं का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये पैसा कमाने का कोई भी जरिया हमारे देश में तो नहीं चलेगा ना। इन्हें पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं, क्या कहाँ पे हमें बोलना है। बड़े पर्दे पे तुम कुछ बोल रहे हो, छोटे पर्दे पे आके कुछ भी बलगरटी कर रहे हो। ये नहीं, ये बच्चों का शो है, यहाँ पे हमने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस तरह की चीज़ों से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हमें इन्हें याद दिलाना पड़ेगा,
कि तुम हमारे देश की संस्कृति को और संस्कारों को खराब कर रहे हो, तो तुम्हें ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए बैकवर्ड बॉलीवुड ट्रेंड पे है और ये हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ये बॉलीवुड सुधर नहीं जाता, जब तक इन्हें समझ नहीं आएगा कि हमें बॉलीवुड मनोरंजन के नाम पे क्या दिखाना है, हमें सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना है, हमें देश के लिए भी कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है, तब तक इनका ट्रोल करते रहो। जो अच्छा काम करते हैं उनका समर्थन करो, जो इस तरह की हरकतें नीच कर रहे हैं उनका उनको ट्रोल करके उनको खरी खोटे सुना से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। नमस्कार। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगा तो। पढ़ता हूँ परिवार अच्छा ही लगता है। और बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो घंटी आइकन भी प्रेस कर लेना, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक आती रहेगी।